जीतने के बाद भी नहीं जीतने देंगे भाजपा वाले, इसलिए सब मिलकर लड़े। समाजवादियों के गढ़बिंद से मसाल जलाकर प्रदेश से भाजपा को भगाया जा सकता है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक दिन का दौरा तय, 18 को रीवा में होंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रीवा की धरती पर पहली बार 18 मई को आएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी मनमर्जी से काम करती है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं है। बिंद प्रदेश समाजवादियों का गढ़ रहा है, बिंद से जली मसाल प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी चाहती है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। पूरे मध्यप्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर सब लोग नहीं मिलेंगे तो लड़ना तो पड़ेगा। भाव बैरागी तो नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मेरा ये कहना है कि अगर बाकी बीजेपी को इस प्रदेश से किसानों को मुक्ति दिला, किसानों की गरीबी से मुक्ति दिलाना है, बेईमानों से मुक्ति दिलाना है, धोखेबाज झूठ बोलने वालों से मुक्ति दिलाना है, तो सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और अगर नहीं मानेंगे तो समाजवादी पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी कोशिश में रहेगी कि समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें जीत के आए। समाजवादी पार्टी अभी आज की तारीख में हम पूरी सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए पूरे प्रदेश संभागीय सम्मेलन, जिला सम्मेलन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी मैं दोनों का कार्यक्रम लगा रहा हूँ। और कोई समझौते की बात आएगी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से होगी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे उसके लिए हम मध्य समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार रहेंगे। इस समय देश की जो परिस्थिति है बड़ी चिंता की बात है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धनबल, बाहुबल, सत्ता बल का उपयोग करके हिटलर की तरह रौनती चली जा रही है, वो पूरे देश में भगवा करने का जो कोशिश कर रही है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे भविष्य में। और ये आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री मोहन सिंह जी ने जाने के वक्त एक टिप्पणी की थी प्रेस को बुला के, जिन लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है इसका भविष्य अच्छा नहीं होगा, यही अडवाणी ने कहा था कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता जा रही है देश आगे क्या होगा, और आज वो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से 118 का आंकड़ा होने के बाद भी सत्ता में न पहुंचना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उनके पास 104 होने के बाद भी सत्ता में बैठ गए, 2 होने के बाद भी सत्ता में बैठ गए। तो इस तरह से जो लोग वोट डाल रहे हैं, लोग नए लोगों को लाना चाहते हैं, उनको ये बीजेपी रोकने का काम कर रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मीडिया भी सुरक्षित नहीं है, शाही और पूंजीवाद, पहले हम कहते थे सामंतशाही और पूंजीवाद, लेकिन आज हिटलर शाही और पूंजीवाद पूरा हावी हो गया है, पूरा किसान बर्बाद हो गया है, किसानों का कोई कर्ज माफ हुए नहीं है, किसान बराबर आत्महत्या कर रहा है, भावंतर के नाम पर पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, मंडियों में लूट हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर कोई नहीं। और जो इनने अपने घोषणा पत्र में कहा था एक भी वायदा पूरा नहीं किया, लेकिन झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा मास्टर है। तो ऐसी शक्तियों से लड़ने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर ये चाहते हैं कि इस मतभेद से इन मावा की विदाई जल्दी से हो जाए, लेकिन जो हालात हैं देश के जीतने के बाद भी अगर नहीं जीतने देंगे तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम तो तमाम उन दलों से कहना चाहते हैं, समान विचारधारा के दलों के लोग हैं, सब लोग अगर मिलके चाहेंगे तो प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी।